क्या ओरल करने से एचआईवी इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हो सकती हैं? क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं? बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो मुझे कॉल करते हैं या कंसल्टेशन लेते हैं और उनकी क्वेरी ये रहती है कि मैंने ऐसा किया, एचआईवी तो नहीं हो जाएगा, अब हो गया है तो मैं क्या करूँ। और बहुत बार जब हम सेक्स कर लेते हैं तो हमें बाद में समझ में आता है कि अरे यार, ये चीज़ तो मैंने ध्यान ही नहीं दी। तो अगर आप ओरल इन्जॉय करते हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में दें और जाने कि एचआईवी होने के कितने चांसेस रहते हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता और मैं एक सेक्स काउंसलर हूं। पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं और अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं। इस वीडियो में बात करने वाली हूं ओरल एंड एचआईवी, क्या रिलेशन है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, एवरीथिंग। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखेंगे। अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके फ्रेंड्स को, आपके पार्टनर को, बहुत लोगों को ऐसे डाउट्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली में लोगों को हो सकते हैं, तो प्लीज इसे अंत तक देखेंगे। साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि ऐसी बहुत सारी और वीडियोज आप तक पहुँच सके। चलिए, हम बात कर रहे थे कि क्या ओरल करने से एचआईवी हो सकता है। पहले आप इस चीज को समझिए कि बहुत सारे मिथ्स हैं कि ओरल से एचआईवी नहीं होता। ओरल से भी एचआईवी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस 1000 में से सिर्फ 4% केसेस में ही रहते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि अगर कोई एचआईवी पेशेंट है या किसी को एचआईवी पॉजिटिव है, तो अगर आप उसके साथ किस करते हैं या उसके साथ अपनी कोई डिशेस एक्सचेंज करते हैं, तौलिया एक्सचेंज करते हैं, या फिर उसका पसीना या फिर उसका थूक या उसका यूरिन, इन सब से कभी भी एचआईवी नहीं होता। तो अगर आप उनके साथ बैठ के साथ में कुछ कर रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, इससे नहीं होता। लेकिन अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है जिसके साथ आप सेक्स में इन्वॉल्व थे, और अगर आपने ओरल सेक्स किया है और उनके गम्स में से कहीं ब्लीडिंग है, मुंह में कहीं अल्सर है या फिर कोई कट लगा हुआ है, तो आपको एचआईवी होने के चांसेस हो सकते हैं। साथ साथ मेल्स में जो उनका वीर्य है, मतलब जो हम सीमेन कहते हैं, या प्रीकम, एक्चुअली डिस्चार्ज से पहले वाला जो प्रीकम है, उससे भी एक्चुअली एचआईवी होने के चांसेस रहते हैं। और फीमेल की अगर मैं वजाइनल डिस्चार्ज की बात करूं, मतलब योनि से आने वाला जो डिस्चार्ज है, साथ साथ जो मासिक धर्म में खून आता है, उससे भी एचआईवी होने के चांसेस होते हैं। साथ साथ अगर आप गुदा मैथुन या एनल सेक्स भी ट्राई करते हैं, तो ऐसे में जो म्यूकस होता है, आपके जो पॉटी के अंदर जो म्यूकस हो सकता है, या एनल एरिया की जो स्किन है वो इतनी पतली होती है कि उसके कारण भी आपका जो वहां कट लगे, तो आपको भी एक्चुअली एचआईवी हो सकता है। अगर आप फीमेल के साथ ओरल सेक्स करना चाहते हैं तो डेंटल डैम का प्रयोग करें। और डेंटल डैम क्या होता है, कहाँ से मिलता है, इसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देखें। तो डेंटल डैम का प्रयोग करें। साथ साथ अगर आप मेल के साथ कर रहे हैं तो फिर आप कॉन्डम का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपको एचआईवी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस तब होते हैं जब फीमेल का कोई फ्लूइड आपके मुंह में चला जाए या फिर मेल का सेमेन या डिस्चार्ज आपके माउथ में चला जाए। ऐसे में अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि मैं ओरल इन्जॉय करता हूँ और मुझे अच्छे से करना पसंद है, और अगर आप किसी ऐसे के साथ कर रहे हैं जिसके आपको मेडिकल रिपोर्ट्स या उनके क्या बैकग्राउंड है, कितने लड़कों के साथ वो थे या थी, ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। और अगर आप वो अपनी वाइफ के साथ कर रहे हैं तो फिर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुल के कर सकते हैं, सिर्फ हाइजीन का आपने ध्यान रखना है। अब मैं बात करूं कि अगर मैं ओरल करना चाहता हूं और मेरे पास अभी पार्टनर नहीं है, तो किस तरह के कॉन्डम्स का प्रयोग करें। जब लेटेक्स कॉन्डम आए तो उसके बाद आए ओरल कॉन्डम्स। ओरल कॉन्डम्स आर बेसिकली फ्लेवर्ड कॉन्डम्स जो कि बहुत सारे फ्लेवर्स में आते हैं, ताकि आप अपने ओरल सेक्स को सेफली इंजॉय कर पाएं पर आपको किसी भी तरीके के एसटीआई या एसटीडी ना हो पाए। कॉन्डम्स की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी अभी न्यू मूवीज भी आने वाली हैं, नुशरत भरूचा की मूवी आने वाली है, जिसमें ये बोला जाता है कि चाहिए सबको, लेकिन कोई खुद से आगे आके लेना नहीं चाहता है। ऐसे में जब उसे हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो सेफ सिक्योरली हमारे पास पहुंच जाता है, हमारी पसंद का पहुंच जाता है। सो ऐसे में जब आप ओरल सेक्स को ही इंजॉय करना चाहते हैं और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखते हैं,
और ओरल के साथ साथ आप चाहते भी हैं कि मुझे फ्लेवर्स भी मिले, तो फ्लेवर्ड कॉन्डम इज द बेस्ट चॉइस। और सबसे अच्छी बात है, अगर आपको अल्ट्रा थिन फ्लेवर्ड मिल जाए तो इससे बेटर तो कुछ हो नहीं सकता है। एचआईवी को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। एड्स तब होता है जब एचआईवी पॉजिटिव होता है, जब वो लंबे समय तक रहेगा तो अल्टीमेटली वो एड्स में कन्वर्ट होगा। इसके अलावा ऐसे बहुत से एसटीआई इन्फेक्शंस होते हैं, सिफिलिस, गोनोरिया, जो कि एक्चुअली आपको पता नहीं चलते हैं, वो एड्स इतने घातक नहीं होते हैं बट हो जाते हैं। इनके बारे में भी डिटेल से मैं एक वीडियो में बात करूंगी और बताऊंगी कि एचआईवी इन्फेक्शन से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, किस तरह के कंडोम्स का यूज कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं इसे भी कवर करने वाली हूं। सो आशा करती हूं कि मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी, तब तक के लिए बने रहे, जुड़े रहे। मैं डॉक्टर नेहा मेहता, और अगर आपका कोई डाउट है, आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है डॉक्टर नेहा इस पर वीडियो बनाए, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। साथ साथ इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। हमारे दोनों नए चैनल लवोलॉजी सीखो और साइकोलॉजी सीखो, जो दोनों ही आपके ओवरऑल मेंटल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, उन्हें जरूर सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पे नए हैं तो थम्स अप, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को।